हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो दक्षता उन्नयन के तहत इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सीजन 2022-23 यानी सत्र 2022-23 का है। और यह जो बुक है आपकी किसके द्वारा बनाई गई है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और यह सत्र 2022-23 के लिए है। और यह जो है आपका कौन सा समूह है, उमंग समूह लेके आए हैं। इसमें जो इस वीडियो के माध्यम से हम जो उमंग समूह की वर्कशीट है उन्हें आपको बताएंगे। चलिए हम देखते हैं उमंग समूह की वर्कशीट कौन सी है। इसमें है वर्ड बिल्डिंग। क्या है? वर्ड बिल्डिंग यानी वर्कशीट 53। आपको वर्कशीट 53 बताएंगे। इसमें क्या बताया ये देखते हैं हम। इसमें दिया है मैच द पिक्चर्स विथ देयर नेम्स। तो मैच यानी मिलाना है द पिक्चर एंड चित्रों को विथ देयर नेम यानी कि चित्रों व उनके नाम से मिलान करना है। जो यहाँ चित्र बने हैं और उनके नाम क्या है उनसे हमें इसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं आपके, इन चित्रों के आधार पे इनकी हम मिलान करके बताएंगे। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र किसका दिख रहा है। यहाँ पे ये चित्र है लायन। क्या है ये? तो लायन, तो इसको हम किससे मिला देंगे, लायन से। तो यहाँ ढूंढिए क्रो स्टार टेबल लायन, तो हम किसे इसे लायन से मिला देंगे। ये लायन से मिला दिए। उसके बाद ये किसका चित्र दिख रहा है आपको, रेट। रेट मीन्स चूहा, चूहे का चित्र दिख रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, चूहे को इससे मिला देंगे। किससे मिला देंगे, चूहे को, जो रेट उसका नाम है उसके सामने, RAT रेट। रेट मीन्स चूहा। उसके बाद ये आपको पेड़ दिख रहा है और पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। और यहाँ पे आप ट्री देखिए तो ट्री कहाँ पे है, ये ट्री है, TRE ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। हमको पेड़ से इसको मिला देंगे, ये ट्री से मिला दी हमने। उसके बाद ये कौवा है, कौवा है, कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो, क्रो CRWO क्रो, तो क्रो से मिला दिए। इसी प्रकार मेंढक को क्या कहते हैं, फॉग, फॉग से मिला दिए। ये इसको स्टार है तो स्टार से यहाँ ढूंढना है आपको, स्टार कहाँ लिखा है, स्टार से मिलाना है। फिर ये क्या है आपकी, बाइसिकल है तो बाइसिकल कहाँ लिखा हुआ है, ये बाइसिकल लिखा है तो बाइसिकल से मिला दीजिए। और ये क्या है, टेबल, तो इसको टेबल से मिला दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपको चित्रों और उनके नाम से मिलाना था, चित्रों को देखना है और उनका नाम क्या है हमको यहाँ पर मिलाना था। तो ये आपको हमने मिला के बताया था। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए शेर मीन्स लायन से मिला दिए। ये मेंढक, ओ सॉरी, चूहा को क्या कहते हैं, रेट, तो ये रेट से मिला दिए। ये पेड़ है तो इसको क्या कहते हैं, ट्री, तो ये नीचे ट्री दिया, ट्री से मिलाइए। ये कौवा है तो कौवा को क्रो से मिला दिए। मेंढक को किससे, फॉक से मिला दिए। स्टार को, जो स्टार है STAR स्टार से मिला दिए। उसके बाद बाइसिकल को हमने, ये बाइसिकल लिखा है BICYCLE बाइसिकल से मिला दिए। और टेबल को, ऊपर है तो टेबल से मिला दी। इस प्रकार से हमारा जो वर्कशीट 53 थी इसमें चित्रों और उनके नामों को मिलान था। इसके बाद वर्कशीट आपकी आती है 54। 54 वर्कशीट में क्या दिया देखते हैं हम। राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड, यानी कि यहाँ पे लेटर मिस है उससे आपको क्या करना है, वर्डों को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे D लिखा है और क्या लिखा था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। और ये चित्र किसका है, कुत्ते का है, कुत्ते को क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। हम क्या लिख देंगे, DOG डॉग। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गाय है और गाय में मिसिंग वर्ड क्या है, C लिखा है और W लिखा है, मिसिंग वर्ड जो आएगा। तो गाय को क्या कहते हैं, काऊ। काऊ की स्पेलिंग क्या होती है, COW। तो यहाँ मिसिंग वर्ड क्या हो गया, O। तो क्या लिख देंगे, जो मिसिंग वर्ड है O यहाँ पर लिख देंगे, तो COW काऊ हो गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन में देखिए, ट्रेन में मिसिंग वर्ड है टी के बाद और ए के बाद मिसिंग है। और ये ट्रेन की स्पेलिंग क्या होती है, TRAIN, तो टी लिखा हुआ है, हमें मिसिंग वर्ड में आर और ए लिखा हुआ है, मिसिंग वर्ड आई था, तो आर और आई मिसिंग वर्ड लिखना है, तो क्या बन जाएगा, ट्रेन। उसके बाद ये तोते का चित्र है, इसको पैरोट कहते हैं। इसी मिसिंग वर्ड क्या है, पी, ये पी और ओ, तो ये आपको PAOOT पैरोट लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका मिसिंग वर्ड हो जाएगा पी और ओ। उसके बाद हाउस में भी देखेंगे मिसिंग वर्ड क्या आ जाएगा, हाउस में आपका स्टार्टिंग
और ओ के बाद वाला वर्ड मिस है, हाउस की स्पेलिंग क्या होती है, एच ओ यू एस सी हाउस, तो आप यहाँ पे मिसिंग वर्ड एच लिख देंगे और ओ के बाद यू लिख देंगे। फिर काइट में मिसिंग वर्ड इस शुरू वाला और आई के बाद वाला, आई के पहले मिसिंग वर्ड है, आई के बाद ही मिसिंग वर्ड है। और काइट की स्पेलिंग क्या होती है, के आई टी, तो आई के पहले के आएगा तो आप यहाँ के लिख देंगे और आई के बाद टी आएगा यहाँ पे टी, तो क्या बन जाएगा, काइट। इसके बाद स्कूल में देख लीजिए, स्कूल में भी जो मिसिंग वर्ड हैं कौन कौन से, स्कूल की स्पेलिंग होती है एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, तो इसमें मिसिंग वर्ड सी और डबल ओ है, तो आपको सी और डबल ओ लिख देना जहाँ मिस आपका फिल इन द ब्लैंक है। और ट्री में भी डबल ई मिसिंग वर्ड है, आर डबल ई, तो आपको यहाँ पे आर डबल ई लिख देना, तो क्या बन जाएगा, ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़। इसी यहाँ पे आपकी वर्कशीट 54 समाप्त होती है। इसके बाद हम वर्कशीट 55 देखते हैं, इसमें क्या दिया है, अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड, एंड लेटर का सही क्रम में जमा कर शब्द लिखना है। क्या है, यहाँ पे जो लेटर दिए हुए हैं वो लेटर सही क्रम में जमे नहीं है, उन्हें हमें सही क्रम में जमाना है। तो क्या कहा, अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड्स। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है के ओ बी ओ, ये सही लेटर जमे नहीं है, इन लेटरों को हमको अरेंज करना है। तो ये चित्र किसका दिख रहा है आपको, बुक का, तो हम यहाँ पे बुक की स्पेलिंग क्या होती है, बी, तो बी को पहले लिखेंगे फिर डबल ओ के बुक, तो इस प्रकार से हम के ओ बी ओ को अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी डबल ओ के बुक, बुक मीन्स पुस्तक। फिर चित्र को भी देखना है, चित्र किसका है, ये वाला अगला सेकेंड नंबर का देखिए, टेबल है, तो टेबल में स्पेलिंग क्या होती है, टी ए बी एल ई, और यहाँ पर टेबल की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसको अरेंज करके हमको सही करना है, तो पहले लिख देंगे टी ए बी एल ई टेबल। इसी प्रकार केट में, तो क्या बन जाएगा, सी ए टी केट, टी ए सी है तो क्या बन जाएगा, सी ए टी केट। ये क्या है, पंखा है, पंखा यानी फैन, फैन की स्पेलिंग क्या होती है, एफ एन फैन, तो ये ए एन एफ था, इसको हम अरेंज किए तो एफ एन फैन बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर ट्री की स्पेलिंग देखेंगे, पेड़ है, ट्री की स्पेलिंग क्या बनेगी, टी आर डबल ई ट्री। उसी प्रकार बेबी की, फिर किसकी है, जो डॉल है, तो डॉल की स्पेलिंग डी ओ डबल ए डॉल। ये गर्ल है, तो गर्ल क्या हो जाएगा, जी आई आर एल गर्ल। ये बर्ड है, तो बर्ड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी आई आर एल। और एक कप है, तो कप की स्पेलिंग सी यू पी कप। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस वर्कशीट में क्या दिया था, जो आपके वर्ड थे उनको क्या करना था, अरेंज करना था। कौन सी वर्कशीट, वर्कशीट 55 में, और वर्कशीट 54 में मिसिंग लेटर लिखना था, और वर्कशीट 53 में क्या करना था, जो पिक्चर को मैच करना था किससे, उनके नेम से। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट यहाँ पे समाप्त हुई। ये वर्कशीट यदि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।